नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कहा गया है, वन बाय थ्री प्लस सेवन आई बाय थ्री, सेवन आई बाय थ्री। फिर कहा गया है प्लस फोर प्लस आई अपॉन थ्री, बेसिकली यहाँ पर वन बाय थ्री आई है, मतलब यही है। और इसके बाद यहां से यहां तक जो है वो आपका एक बड़ी ब्रैकेट में आपको कवर किया गया है, और इसके बाद है कि फिर माइनस माइनस फोर बाय थ्री, माइनस फोर बाय थ्री और प्लस 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 आई, प्लस आई, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं जैसा है वैसे कर दीजिए, हमेशा की तरह रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक, दूसरा यहां पर माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस आई है, अच्छा ऐसा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा यहां पर थ्री, ये हो जाएगा वन प्लस ट्वेल्व और ये हो जाएगा प्लस यहां से हो जाएगा ये एट आई, एट आई अपॉन थ्री, क्योंकि यहां पर भी एलसीएम थ्री आना है और सेवन आई प्लस आई इज इक्वल टू एट आई, एट आई बाय थ्री। और यहां पर ये हो जाएगा माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस आई। ठीक है, अब याद रखिए ये हो गया थर्टीन अपॉन थ्री, ये हो गया एट आई अपॉन थ्री, माइनस से इसको इंटू करेंगे ये बन जाएगा प्लस फोर बाय थ्री और ये बन जाएगा माइनस आई। फिर से रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ, यानी कि थर्टीन बाय थ्री प्लस फोर बाय थ्री को आपको सॉल्व करना है और एट आई बाय थ्री और माइनस आई को आपको इधर अलग सॉल्व करना है, ये हो जाएगा सेवनटीन बाय थ्री और ये हो जाएगा एट आई माइनस थ्री आई, ये हो गया सेवनटीन अपॉन थ्री प्लस फाइव आई बाय थ्री, ये हो गया सेवनटीन बाय थ्री प्लस फाइव आई बाय थ्री, ये आपका आ गया ए प्लस आई टी के फॉर्म में। और फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल यही है, नोट कीजिए।